हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इंग्लिश पिल्लो बैट की वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, ये जो हमारा इंग्लिश पिल्लो बैट है, ये फ्रेंड्स गोल हैंडल में है और नीचे से जो हमने इसकी शेप दे रखी है ना फ्रेंड्स, राउंड शेप है ये। इसको धोनी की शेप बोला जाता है, जैसे रिबॉक के बैट में या एमआरएफ के बैट में होती है। ये नीचे से आप इसकी शेप देख सकते हैं और फ्रेंड्स इसके ग्रेन्स भी आप देख सकते हैं, कितने प्यारे ग्रेन्स हैं इसके। शेप देख लो फ्रेंड्स, कैसी शेप है इसकी। ये फ्रेंड प्लेन बैट है, राउंड शेप में है, गोल हैंडल है फ्रेंड्स। इसकी ग्रेन्स आप चेक कर सकते हो, 5 ग्रेन्स है इस बैट के अंदर। और अभी मैं इसको थोड़ा सा पंच चेक करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने इसके पंचेस देख लिए, ग्रेन्स देखो फ्रेंड्स कितनी क्लियरली ग्रेन्स आ रही है। पंच बहुत बढ़िया है, रेडी टू प्ले बैट है, जाते ही खेल सकते हो फ्रेंड्स। बैक साइड भी देख सकते हो, ये ग्रेन से आ रही है फ्रेंड्स बैक साइड भी। पंच बहुत बढ़िया है, 1150 ग्राम का बैट है फ्रेंड्स। इसका वेट भी दिखा बता देता हूं मैं आपको, 1100 ग्राम इसका वेट है विद ग्रिप, ग्रिप के साथ। तो फ्रेंड्स, एक तो ये राउंड शेप में आते हैं और एक आता है ये एसएस की शेप में। इसके भी ग्रेन्स देख लो फ्रेंड्स, ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि भाई आप इंग्लिश पिल्लो बैट पे वीडियो बनाओ, तो मैं आज ये वीडियो खास तौर से उनके लिए बना रहा हूँ फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये वाटर मास्क होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये नेचुरल बैट होते हैं, कोई पॉलिश वगैरह कुछ नहीं होती। ये तो प्लेन है, कंपनी क्या करती है, अगर ये एसएस का बैट होता तो एसएस का स्टिकर यहाँ तक आता है फ्रेंड्स, ये सारे वाटर मार्क छुप जाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लकड़ी जब कटती है, नेचुरल लकड़ी है। अभी मैं आपको इसके भी पंच दिखा देता हूँ, इससे जो पंच चेक कराए थे बॉल तो फॉल गई ऊपर फ्रेंड्स। अभी मैं दूसरी बॉल निकालता हूं, जैसे पंचेस फ्रेंड्स इंग्लिश विल्लो में होते हैं वैसे फ्रेंड्स इसमें हैं। ग्रेन्स बिल्कुल साफ है, ये एसएस की शेप में है फ्रेंड्स, ये धोनी वाली शेप में है, राउंड शेप में। दोनों बैट अपरेट भी जगह, क्वालिटी दोनों की बहुत बढ़िया है। और फ्रेंड्स दोनों में सेम ही हैंडल है, सिंगापुरी हैंडल है और गोल हैंडल है। अगर आप ओवल हैंडल मांगोगे आपको ओवल हैंडल मिल जाएगा। और फ्रेंड ये सिंगापुरी हैंडल होते हैं ना, ये पतले ही होते हैं काफ़ी, तो काफ़ी पतला हैंडल है। ग्रिप मोटी करना चाहो तो एक और आप
ग्रेवी इसके ऊपर चढ़ा सकते हो। फ्रेंड्स फिर बता रहा हूँ, प्लेन ब्रेड है, जब तक इस पर हम श्रीखंड नहीं लगाएंगे ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स बिना कपड़ों के तो इंसान भी अजीब ही लगता है। अभी ये प्लेन बैट है इसलिए फ्रेंड्स आपको हल्का फुल्का निशान दिख रहा होगा, क्योंकि नेचुरल बैट होते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई पॉलिश नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, ये जैसा बैट है वैसा ही है। बफिंग बहुत अच्छी हो रही है फ्रेंड्स, पंच बहुत बढ़िया है इसके। ग्रेन्स एक बार आप फिर देख लीजिए, एसएस की शेप में है बल्ला, ये जो एसएस की शेप होती है। पंच बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, दो बैट ये रखे हैं। अभी मैं आपको और बैटों की भी फोटो दिखा देता हूं। इसमें 6 ग्रेन्स हैं फ्रेंड्स, ये भी नीचे से राउंड शेप में है, धोनी वाली शेप में। पंचेस में सबके चेक करा देता हूं। ये बैट देखिए फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा ग्रेन्स हैं, इसमें 7 ग्रेन्स हैं फ्रेंड्स। ये भी राउंड शेप में ही है नीचे से। फ्रेंड्स बहुत ही लाइट वेट बल्ले हैं, 1150-50 ग्राम के बैट हैं, प्योर इंग्लिश विल्लो बल्ले हैं। बफिंग और प्रेसिंग बहुत अच्छी तरीके से करवाई गई है इनके ऊपर। इसका भी मैं आपको पंच दिखा देता हूं। अभी फ्रेंड्स एक बैट ये देखिए आप, सारे बैट फ्रेंड्स ही 1150 ग्राम के आसपास के ही हैं, कुछ आधे बल्ले राउंड शेप में है, धोनी शेप में, आधे बल्ले डबल एच की शेप में है। ये अभी रेडी नहीं है, इसके ऊपर ग्रिप भी नहीं है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड एसएस की शेप में बल्ला है, 5-6 ग्रेन्स इसके अंदर भी होंगे, इसके ऊपर भी अभी ग्रिप नहीं है। इसके भी फ्रेंड्स मैं पंचेस चेक करवा देता हूं। और फ्रेंड्स ये देखिए,
सारे बल्ले लाइट वेट है, इंग्लिश विल्लो बैट है फ्रेंड्स। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये फ्रेंड्स 10 10 20 20 30 30 हजार के बैट में भी होते हैं। ये होता है वाटर मास्क, यहाँ पे स्टिकर लग जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, फिर ये ग्रेन्स आपको बल्ला बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ जी बल्ला बहुत शानदार हो। और ये बल्ला फ्रेंड्स वाकई बहुत अच्छा है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी क्लियर ग्रेन्स है इस बल्ले में। विदाउट ग्रिप है, 1150 ग्राम ही वेट है फ्रेंड्स। हमें तो हाथ में बल्ला लेते ही पता लग जाता है कि रोज 50 ही बल्ले हाथ में आते हैं। शेप देखो फ्रेंड्स, एसएच की शेप है, बफिंग हो रही है, प्रेस करवा रखी है, जाते ही आप खेल सकते हो, रेडी टू प्ले बैट होती है फ्रेंड्स। बहुत हल्के बल्ले हैं, इंग्लिश विलो है।